गाइस, अगर आप वोडाफोन का जो सिम है उसको यूज करते हो और आप उसी का इंटरनेट भी यूज करते हो और आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर आपका जो नेट है वो काफ़ी स्लो चल रहा है, तो गाइस आज मैं आपको एक सेटिंग बताने वाला हूँ जो कि हमारे फ़ोन में ही होती है। वो सेटिंग को करने के बाद गाइस 100% आपका जो इंटरनेट है वो ओपनली हाई स्पीड पे चलेगा। मैं इसका डेमो भी दिखा सकता हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल इस टाइम वोडाफोन का ही सिम है जो कि मैंने जब मैं पहले इससे पहले एयरटेल यूज़ करता था, तो एयरटेल में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, उसकी कोई सेटिंग भी नहीं थी। सो गाइज़, मैंने अपने कस्टमर केयर से बात करके अपने सिम को जो है पोर्ट कराया, और पोर्ट कराने के बाद जो गाइज इसकी सेटिंग है लाजवाब सेटिंग है और जो स्पीड है वो एकदम फर्स्ट क्लास है। सो गाइज, मैं आज आपको ये जो सेटिंग है ये आपको बता रहा हूँ, तो शुरू करते हैं गाइज। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में चेक करना है कि आपका जो सिम कार्ड है इसको ओपन करना है। इसमें आपको देखना है कि आपका जो 4G नेटवर्क है वो कौन से सिम से बिलोंग करता है, क्योंकि मोस्टली सभी फ़ोन में दो सिम होता है, इसी वजह से हमें चेक करना होता है कि कौन से फ़ोन से हम अपना जो 4G नेट है वो चला गए हैं। सो गाइज, मैंने यहाँ पे वोडाफोन को सिलेक्ट किया हुआ है, और आप भी अपने फ़ोन में इस सेटिंग को सिलेक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद गाइस, अब आपको ये जो मोर का ऑप्शन है यहाँ पर जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पर सेलुलर नेटवर्क दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, जो मेन चीज़ है हमारी वो है एक्सेस पॉइंट नेम। इसी से गाइस हमारे जो नेट की स्पीड है होती है वो इसी से चलती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने वोडाफोन कनेक्ट किया हुआ है www.google.com। अब इसको ओपन करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो मैंने नाम में लिखा हुआ है वोडाफोन कॉन्टैक्ट, आप इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा। APN में आपको यहाँ पर ये नाम नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर जो भी नाम मिले APN में ये नहीं मिलेगा, आपको यहाँ से इसको हटाना है। हटाने मतलब आपको जो भी नाम यहाँ पर होगा उसको हटाना है, और उसके बाद आपको ये लिखना है www.google.com और इसको ओके कर दीजिएगा। इसके बाद गाइस, मैं आपको अपने डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ कि काफ़ी सेटिंग्स है, और मेन सेटिंग हमारी होती है ये APN टाइप। अगर आपके फ़ोन में डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है खाली, तो कोमा लगा के SUPLB लिख दीजिएगा, इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जो नेक्स्ट है और लास्ट वो आता है APN प्रोटोकॉल। मोस्टली गाइस, काफ़ी फ़ोनों में होता क्या है, या तो APV4 पे क्लिक होगा या फिर APV6 पे क्लिक होगा, और कुछ फ़ोनों में ऑटोमेटिक यहाँ पर कंबाइंड दोनों पे क्लिक होता है। तो आपको इन दोनों जो ऊपर ये दोनों हैं इन पे क्लिक नहीं करना है। अगर आपके फ़ोन में पहले से ये जो सबसे नीचे है जिस पे मैंने क्लिक किया हुआ है इसी पे क्लिक है तो सही है, अगर नहीं है तो आप इस सेटिंग को चेंज कर लीजिएगा और लास्ट वाले पे क्लिक करके हट जाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं APN प्रोटोकॉल में APV4/APV6 दोनों किए हुए हैं मैंने, और ऐसे ही आपको इससे नेक्स्ट जो आएगा रोमिंग प्रोटोकॉल, इसमें भी ऐसे ही करना है। अगर आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। सो गाइस, इसको करने के बाद अब चलते हैं हम अपने नेट पर, देखते हैं क्या स्पीड मिल रही है, क्योंकि गाइस मैंने ऊपर स्पीड चेकर लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। मैं कुछ भी इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको, या डाउनलोड करके। इसकी जो मतलब स्पीड होती है, पहले मेरे फ़ोन में एक पेज नहीं खुलता था, हालांकि ये भी नहीं खुलता था, तो मुझे किसी ने बताया कि ये वाली सेटिंग कर लो, इसके बाद तुम्हारा जो नेट है वो सही चलने लगेगा। तो गाइस, श्योर 100% मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो नेट है वो सही से चलेगा। अब गाइस, मैं देखता हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, इसका जो साइज़ है 5.3 MB है, और इसको इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है इसके इंस्टॉलिंग में। इंस्टॉलिंग तो गाइस हर फ़ोन की अलग अलग होती है, डाउनलोडिंग की स्पीड देखते हैं क्या स्पीड है। सो फ्रेंड, आप देख रहे होंगे 1.6 ये हो गया डाउनलोड। सो गाइस, इसी तरीके से आपको अपने फ़ोन में सेटिंग करनी है, और आपकी कोई भी क्वेरी मतलब कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियोज़ लाता रहूँगा इस चैनल पर।